मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां निर्भया को कल इंसाफ मिला, उसके सारे मुजरिम चार मुजरिमों को भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फांसी से पहले की तैयारियों की। जब मुजरिम को पता चला, सारे दोषियों को जब पता चला चारों दोषियों को कि फांसी होने वाली है, उससे पहले वो सभी जेल प्रशासन से गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगी और जब उनको चाय दी गई, उन्होंने चाय पीने से इनकार कर दिया, बस रोते रहे और सन्न होके अपनी फांसी की तैयारियां देखते रहे। नाहे उठे, उठने के बाद नाहे और भगवान से प्रार्थना करी। साथ में जब उनको नाश्ते के लिए कुछ दिया गया तो उन्होंने खाया भी नहीं। जब उनको फांसी हो गई, आधे घंटे तक उनका सब फांसी के तख्ते से लटका रहा। पहली बार चार गुनहगारों को एक साथ दी गई फांसी। निर्भया को इंसाफ। सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाए गए निर्भया के चारों गुनहगार फांसी से पहले रोए, गिड़गिड़ाए और माफी भी मांगी। शुक्रवार तड़के चारों को उठाकर नहलाया गया। चारों के लिए चाय भी आई मगर किसी ने भी नहीं पी। किसी भी दोषी ने नहीं जताई अपनी अंतिम इच्छा। फांसी से पहले चारों से आखिरी इच्छा पूछी गई, किसी ने अंतिम इच्छा नहीं बताई। इसके बाद चारों को काले कुर्ते पैजामे पहनाए गए, फिर उनके हाथ बांधे गए। फांसी से कुछ दूर पहले ही दोषियों के चेहरे को काले कपड़े से ढका गया, फिर पैरों को भी बांधा गया। ठीक 5:30 बजे पवन जल्लाद जेल नंबर 3 के अधीक्षक के इशारे पर लीवर खींच दिया। जल्लाद की मदद के लिए 3 जेल कर्मचारी भी मौजूद थे। फांसी के बाद डॉक्टरों ने चारों के शरीर की जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चारों दोषियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए। निर्भया का पहला दोषी अक्षय कुमार, उम्र 31 वर्ष, बस क्लीनर औरंगाबाद का रहने वाला, बिहार का मूल निवासी। दूसरा पवन गुप्ता, उम्र 25 वर्ष, फल विक्रेता, आरकेपुरम दिल्ली का निवासी। तीसरा दोषी मुकेश सिंह, उम्र 32 साल, ड्राइवर का हेल्पर, राजस्थान निवासी, घटना के वक्त बस चला रहा था। चौथा दोषी विनय शर्मा, उम्र 26 साल, जिम में ट्रेनर, रविदास कैंप, आरकेपुरम दिल्ली का निवासी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।